हौसलों को कर बुलंद, तू रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, देखकर तुझे तेरा काफिला खुद बन जाएगा। जी हाँ, हम जिंदगी में अपने संघर्षों से कई बार हार जाते हैं और मेहनत करने से डरते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम अपने जीवन में अगर कोशिश, मेहनत, संघर्ष को जगह देते हैं तो सफलता के पायदान पर आसानी से पहुंच जाते हैं। और ये किसी ने खूब कहा है कि किस्मत आपको मौका जरूर देती है, लेकिन मेहनत आपको चमका देती है। और यही जीवन की अनामिका हकीकत भी है कि हम अपने जीवन में अगर जो पायदान है, हम सोचते हैं रेड कार्पेट पर हम चले, तो वो सिर्फ सोचने से मुमकिन नहीं होगा, वो आपकी कोशिशों से मुमकिन होगा। आपने जो ख्वाब, वो जो आप सपने अपने जीवन के लिए सेट किए हैं, वो अपनी कोशिशों के सहारे ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं। इसी विचार के साथ आपका स्वागत, अभिनंदन धरती धोरारी के इस मंच पर। मैं हूं आपके साथ नितांशा शर्मा। मैं हूं आपके साथ अनामिका। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खम्मा घनी सा। तो धरती धोरारी में आपका स्वागत हम दोनों करते हैं। और जैसे नितांशा ने कहा कि आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, वो एक्शन जो है जब तक आप नहीं लेंगे तब तक ख्वाब जो है वो अधूरे वैसे के वैसे ही पड़े रह जाएंगे। नितांशा, तुम्हारी बात पर ही मुझे चंद पंक्तियाँ याद आ रही हैं। वो कुछ इस तरह से है कि तूफान से निकलने में ज़रा देर लगेगी, हालात बदलने में ज़रा देर लगेगी। तूफान से निकलने में ज़रा देर लगेगी, हालात बदलने में ज़रा देर लगेगी। मालूम है वो राह पर आ जाएगा, लेकिन पत्थर को पिघलने में ज़रा देर लगेगी। बहुत खूब। तो जैसे आपको कोशिश करनी चाहिए, उसी तरह से एक और क्वालिटी है, उसका नाम है परसिस्टेंस, परसिवरेंस, यानी कि टिके रहना तब तक जब तक कि आपको सक्सेस नहीं मिल जाती। बिल्कुल। वेल, आज के शो में हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं वो हम सब के लिए एक ट्रू सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता भाटिया जी की। वो रीजनल डायरेक्टर हैं जयपुर रीजनल सेंटर, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे आप इग्नू के नाम से भी जानते हैं। इसकी रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर ममता भाटिया आज हमसे मुखातिब हैं धरती धोरारी में। मैम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार, बिल्कुल अच्छे हैं, थैंक यू। तो जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी पढ़ाई कर रखी है, एमए, एमफिल, फिर आपने पीएचडी भी किया। एमए में आप गोल्ड मेडलिस्ट रहीं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, साथ ही बीजेएमसी जो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस का कोर्स होता है, उसमें भी आप गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। तो ये पढ़ाई लिखाई का शौक बचपन से ही था, मतलब? बिल्कुल, शुरू से ही जो एक शौक था कि क्लास में फर्स्ट आना है बस। और पापा भी हमारे जो थे वो जब रिजल्ट देखते थे वो ये नहीं पूछते थे कि कितने मार्क्स है, क्या यू आर फर्स्ट इन द क्लास, ओके फाइन गो अहेड। लेकिन कभी भी हमारे ऊपर ये भी बोझ नहीं था कि फर्स्ट ही आना है। अगर कभी नहीं भी हुआ ऐसा तो इट वाज ऑलवेज ओके विद अस, क्योंकि आज का जो कॉम्पिटेटिव दौर हम देखते हैं जहाँ पर बच्चों के ऊपर एक प्रेशर है, हम पढ़ते थे लेकिन हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। अच्छा। आई यूज टू लव रीडिंग बुक्स, जहाँ पर मैं रहूंगी बचपन से एक बुक मेरे पास में होती थी, तो वो चलता ही रहा। फिर मैम, गोल्ड मेडल लाना आसान नहीं होता। बिल्कुल। और जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं जिनको पढ़ना बिल्कुल आसान नहीं होता, कई बच्चे तो डर जाते हैं। लेकिन उस एज की हम बात करें जहाँ आपका एक माइंड सेट था कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। नहीं, माइंड सेट नहीं था, क्योंकि वी वर फ्रॉम अ बिजनेस क्लास फैमिली, तो ऐसा जॉब या क्या और पीएचडी कोई डिग्री होती है, स्कूल लाइफ तक तो मुझे ये भी अंदाजा नहीं था कि पीएचडी नाम की भी कोई डिग्री होती है। ठीक है, पढ़ रहे थे और एक था कि हाँ कुछ करना है, कुछ करना है। तो जैसे जैसे आगे आगे अपने आप रास्ते खुलते गए, जैसा कि आपने कहा ना कि आपके अंदर में एक लगन होनी चाहिए, तो अपने आप परमात्मा आपके द्वार खोलता चला जाता है। बहुत अच्छे टीचर्स का साथ मिलता चला गया, स्कूल टाइम से ही हमेशा हमें टीचर्स का एक बहुत वो एक लव रहता था, एक उनका हमेशा एक सपोर्ट रहता था हमारे पास, और वो कंटिन्यू रहा कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक। मतलब हम जाके गाइड को पहुंचे तो सर ने आके हमसे पूछा कि हमारे अंडर में पीएचडी करोगी? सो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि वो पूछ रहे हैं, तो हमने कहा जरूर करेंगे, आप कराओगे? तो तब तक ये सोचा भी नहीं था कि पीएचडी करना है या नहीं करना है। और जैसे ही बात आई तो कैसे एमए के बाद एमफिल का जो डिसर्टेशन था उसी के दौरान पीएचडी का माइंडसेट हो गया, और कैसे उन्होंने करवा दी, मैं ना कर पाती शायद। अनामिका, आपने इतना कुछ मैम के बारे में बताया और काफ़ी मैंने भी बहुत पढ़ा, तो मैम ना केवल खुद के परिवार के लिए प्रेरणा रही हैं लेकिन समाज के लिए भी रही हैं, तबके के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर उम्र के लिए रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि दर्शक भी मैम से जुड़ें, इस शो से जुड़ें और अपने सवाल या कुछ खास कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं या कुछ जानना
जानना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जान सकते हैं। हमारे नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं और हमारे नंबर हैं 01412704098, एक अन्य नंबर 01412704999। इन दोनों नंबरों के माध्यम से आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अनामिका, हम बात कर रहे हैं मैम के कॉलेज टाइम की, गोल्ड मेडल मैम ने हासिल किया, लेकिन मैम हम जिंदगी का एक मुकाम होता है, जिंदगी के जितने पायदान हैं, मुकामों के पायदान हैं, उनमें हम अपने बचपन को कभी नहीं भूलते हैं, चाहे वो उम्र की कोई सी भी सीढ़ी क्यों ना हो। तो मैम आपका बचपन कहाँ बीता? बचपन जयपुर में ही बीता। आई वॉज बॉर्न इन जयपुर ओनली, ब्रॉट अप हियर ओनली। और बचपन में बहुत ही ज्यादा हम टॉमबॉयज टाइप हुआ करते थे। मतलब जो करना है वो करना है। एक थोड़ी स्टबननेस भी थी नेचर के अंदर कि जो ठान लिया बस वो करना है। और जो हम लोगों की अपब्रिंगिंग थी, वी वर फोर सिस्टर्स इन द फैमिली और मैं सबसे बड़ी हूँ उनमें। तो जो हमारे घर का माहौल था वो बिल्कुल ऐसा था, ओपन। पापा ने हमें कभी नहीं, पेरेंट्स ने रोका कि यहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, या ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब थर्ड फोर्थ से पापा मुझे शॉप पे भेज देते थे। पापा की शॉप होती थी कि चाबी लाओ, लो और जाओ दुकान खोल लो। सो आई यूज्ड टू ओपन एंड हैंडल एवरीथिंग, द सर्वेंट्स आल्सो, कस्टमर्स जो भी ग्राहक आते थे उनको भी देखना करना। क्या बात है। वो बिल्कुल उन्होंने एक अपब्रिंगिंग ऐसा दिया कि बैंक का काम भी है तो ये लो, चेकबुक लो, पासबुक लो, जाओ और कर आओ। अच्छा, खुद से अपना एज बना। हाँ, जब हम लोग फिफ्थ या सिक्स्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, अपना साइकिल लो और जाओ और कर आओ। मतलब ऐसा, वी वर नेवर पैम्पर्ड लाइक दैट, बट वी वर मेड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। क्या बात है। यानी आपके पेरेंट्स ने आपको बचपन से ही लड़कों की तरह पाला, लड़कों की तरह, कभी ये नहीं सोचने दिया कि आप लड़की हैं। ड्रेसअप भी वैसे ही होना, और बात भी, अगर पेरेंट्स से बात कर रही हूँ तो आऊंगा जाऊंगा, काफी टाइम तक तो ऐसा ही चलता रहा। अच्छा, कभी भी उन्होंने फीलिंग आनी ही नहीं दी हम लोगों की हमारे घर में कोई लड़का नहीं है या क्या। जो काम करना है खुद करो। इवन जो हमारे कजिन्स होते थे बॉयज में, आई यूज्ड टू बी अ रिंग लीडर और वो मेरे पीछे पीछे चलते थे। मैम, एक किस्सा आपने बताया था कि जैसे कि मुझे आपके टॉम बॉय वाली बात से, वाक्य से याद आया कि आप बाइक भी चलाती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, वो किस्सा क्या रहा मैम? एक ब्रदर है हमारा अजय, तो उसने नई नई बाइक ली। तो बोला कि आप चलाओगे? मतलब नेचुरली देने में डरता था वो। और हम उसको बोले कि बस थोड़ा सा दूर इसको फ्रेंड को बस स्टॉप तक छोड़कर आते। अच्छा। आपने सीख रखी थी बाइक राइडिंग? साइकिल, बाइक, जो भी हाथ में आना है वो चलाना ही है बस। अच्छा। ये तो एक शौक था ये शुरू से ही। और साइकिल तो बहुत अर्ली है, सेकेंड थर्ड से ही हम लोग शुरू हो गए। तो उसको बोलते थे कि बस यहीं तक जा रहे हैं, बस स्टॉप तक, जस्ट हार्डली 200 meters, एंड उसको घर तक ड्रॉप करने चली जाती थी। वो कहता था इतनी देर में, कहती थी बस ही नहीं आई। एक और कजिन है, वो नई बुलेट लेकर आया। मैंने कहा भैया मैं चलाऊं? तो बोले तुम स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। बोले ठीक। और जैसे ही हम बैठे, फर्स्ट किक में स्टार्ट हो गए। वाओ वाओ। नाउ दोस वर द डेज कि हमने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। मैंने अपने बाइक लर्न किया था, सीखी थी किसी से? जैसे पीछे बचपन से साइकिल तो चलाते ही थे। उसके बाद लूना उस टाइम बहुत होती थी, तो कॉलेज हम लोग लूना पर जाते थे, फिर बजाज स्कूटर। अच्छा। और धीरे धीरे कब बाइक। और यानी बचपन आपका बहुत ही मौज मस्ती वाला रहा। बहुत ही मौज मस्ती। कोई खास शरारत याद आ रही है? कोई सम सम फॉन्ड मेमोरीज जब आपको लगा हो कि वाओ ये एक ऐसी मेमोरी जिसको मैं लाइफ टाइम यू नो चेरिश करने वाली हूँ। अब घर आए भाग कर मतलब मम्मी पापा को बताना ये आज ये हुआ, ऐसा कुछ रहा? ऐसा तो नहीं। जब 11th में भी आई वॉज इन द स्टेट मेरिट लिस्ट, तो हम यहाँ पर थे नहीं। छुट्टियाँ हुई तो माय नानी टुक मी टू बॉम्बे, और फिर वहाँ से मामा जी मेरे साउथ रहते थे तो वो मुझे वहाँ ले गए। तो जब वहाँ पर थी तो उनको पता था कि ये पढ़ती है, तो उनके एक फ्रेंड थे। और मैं कहती थी रोज शाम को आज पिक्चर चलें, आज यहाँ घूमने चलें, तो वो चिन्ह करके बोलते थे। तो बोले चिन्ना ऐसा लगता तो नहीं है कि तुम पढ़ती हो, तुम तो रोज तुम्हें घूमना और एंजॉयमेंट एंड नॉवेल्स फिक्शन बहुत पढ़ती थी मैं। अच्छा। सिडनी शेल्डन, डैनियल स्टील और वो सब भी। तो लगता तो नहीं है कि तुम्हारा पढ़ने का शौक है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो आई वॉज इन द स्टेट मेरिट लिस्ट। और घर से फोन आ रहे हैं सबके, और उस वक्त तो मोबाइल्स और ये सब वीडियो कॉलिंग ये सब कुछ भी नहीं था। एसटीडी पहले जाना पड़ता था और फिर कॉल हो पाती थी। तो इस तरह से करके
घर से फोन आ रहे हैं, तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई मिस्ड माय पेरेंट्स द मोस्ट, के सामने होते क्योंकि पापा वाज वेरी प्राउड अबाउट इट. मैम, फ्रेंड सर्कल में अनामिका ऐसा होता है ना कि एक छुपा रुस्तम होता है, जो शायद मैम रही हैं, मौज मस्ती के बाद भी गोल्ड मेडल आ रही है, तो फ्रेंड्स ने कभी ऐसा कहा नहीं ये तो टॉप कर जाएगी, हम पढ़ लेते हैं, हमें मौज मस्ती नहीं करनी, ऐसा कुछ इंसिडेंस रहा? नहीं, उनको लगता था कि ये कैसे टॉप करेगी. Exactly, ये तो पढ़ती नहीं है. हाँ. सारा दिन तो ये मस्ती करती है. अच्छा. अगर क्लास भी बंक करनी होगी तो आई वाज द फर्स्ट वन कि चलो चलो आज बाहर चलते हैं. अच्छा. तो उनको पर मैं एक जो वो था मेमोराइजेशन अच्छा था कि कुछ बुक पढ़ लिया तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता था मेमोरी में और उसको रिप्रोड्यूस करना इजी होता था. मुझे याद है 11th में मेरे एक सर कहा करते थे कि कुछ लोग तो फुल स्टॉप और कॉमा भी याद करके आ जाते हैं. अरे बाप रे, क्या बात है. बट मुझे लगता है कि ये कॉम्प्लीमेंट था आपके लिए क्योंकि आप शार्प माइंड की रही होंगी. तभी तो आप बाइक राइडिंग के बावजूद, इतनी मौज मस्ती के बावजूद, फिल्में देखने के बावजूद भी आप टॉप कर जाया करती थी उस दौर में. तो दर्शकों को एक बार बता देते हैं नितांशा कि आज हमारे साथ शो में हैं डॉक्टर ममता भाटिया. आप रीजनल डायरेक्टर हैं इग्नू जयपुर रीजनल सेंटर से. और अगर आप इनसे कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं या कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं जो इग्नू ऑफर करता है, तो 01412704098 एंड 01412704999, ये दो नंबर्स हैं जिस पे आप कॉल करके डायरेक्टली डॉक्टर ममता भाटिया से बात कर सकते हैं. तो मैम, आप शुरू से ही ऐसी डिसिप्लिन रही हैं, यानी आपने एक टाइम फ्रेम बना रखा था हर चीज़ के लिए कि इतना टाइम मुझे इसको डेडिकेट करना है, इतना पढ़ाई को, इतना मौज मस्ती को, वो रूटीन आपका था. पर आजकल आपका रूटीन क्या होता है? आजकल सुबह जब सबसे पहले उठते हैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने एक नया दिन दिया हमें, आज की एक अच्छी सुबह दी, और फिर उसके बाद अपना फ्रेश होके और अपना रूटीन पूरा कर थोड़ी देर टेरेस पे चले जाते हैं, थोड़ा सा योगा मेडिटेशन अपने साथ, क्योंकि वो टाइम मुझे लगता है कि वो मेरा अपना टाइम है. तो वो आधा घंटा पौन घंटा जो भी होता है वो अपने साथ स्पेंड करते हैं, और उसके बाद गेट रेडी एंड ऑफिस एंड जॉब, वो सब दिन का रूटीन शुरू हो जाता है. मैम, अगर एजुकेशन वाली हम बात पर फिर से जाएं नामिका, तो मैम आपने एमए किया है, पीएचडी किया है, लेकिन उससे परे, उससे विपरीत आपने बीजेएमसी भी किया है. तो बीजेएमसी करने की तरफ रुक कैसे हुआ, कैसे लगा कि हाँ मुझे जर्नलिज्म भी करना चाहिए? एक शौक तो पहले से ही था कि कर सकते हैं ऐसा. तो आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज जस्ट हैड जस्ट कंप्लीटेड, मैं पूरा ही किया था अभी. अच्छा, मैंने अच्छा. और उसके बाद शादी हो गई, तो वहाँ से भी सपोर्ट मिला कि नहीं पढ़ लो अगर आपने आगे पढ़ना है तो. सो आई एमफिल किया, पीएचडी किया. पीएचडी मैंने पब्लिक रिलेशन सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान पे, इट वाज अ स्टडी ऑन दैट. तो उस दौरान पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के लोगों से, जर्नलिज्म में प्रोफेसर भानावत और इन लोगों से मुलाकात हुई. तो फिर लगा कि क्यों ना बीजेएमसी भी कर लिया जाए, इतना तो बैकग्राउंड अब क्लियर हो ही गया है इस डिसिप्लिन का. तो उसमें एडमिशन ले लिया, वो कर लिया. और उसके बाद जब शादी हुई तो हम दिल्ली में बेस्ड थे, हस्बैंड वाज पोस्टेड देयर. तो वहाँ रहते रहते एक स्कूल में कि कुछ नहीं है तो चलो, दिल्ली में डिस्टेंसेस बहुत थे एंड उस टाइम इतना मेट्रो में, हालांकि वहाँ पे भी मैं स्कूटर लेके चुपचाप से निकल जाती थी लेकिन इतना नहीं वो हो पाता था, मतलब आई कुड बसेस में और ट्रैवल करना वो सब. तो पास में जो था कन्वीनियंट, वहीं पर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्वाइन कर लिया. अच्छा. वहाँ करते करते किसी ने डिस्टेंस मोड से बोला कि मैंने अपने लिए फॉर्म मंगाया था बट मैं कर नहीं रही हूँ, लाओ मैं भर देती हूँ. सो बीएड कर लिया. हाँ, लोग पीएचडी करने के बाद कौन स्कूल में पढ़ाता है, कौन बीएड करता है, बट आई यूज टू कि जो आज मेरे हाथ में है वो कर लूँ ना. एक मतलब में टाइम को यूटिलाइज भी कर रही थी कि अगर मेरे पास ये वक्त है तो मैं इसको पढ़ाई में कुछ कुछ नया सीख लूं, कोई नई डिग्री ले लूं. लेकिन मैम, बीजेएमसी हम करते हैं तो एक जर्नलिज्म का जो जोश है ना वो अंदर आ जाता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं स्टडी के थ्रू. तो कभी ऐसा रहा कि नहीं मुझे भी जर्नलिज्म अब करना चाहिए अगर मैंने बीजेएमसी किया है, तो वो जोश कहीं ना कहीं रहा? टीचिंग वॉज माई फर्स्ट पैशन. जब मैंने 11th किया उसके बाद ही, जैसे जो 2 months का गैप होता है, तो माई 11th टीचर, उनका स्कूल भी चलता था. तो उन्होंने कहा ममता पढ़ाओ की. आई वॉज लाइक मुझे कुछ बहुत अच्छा मिल गया है क्योंकि बच्चे मुझे आज भी बहुत पसंद है. बींग विथ चिल्ड्रन इज माई फर्स्ट प्रेफरेंस, कि अगर कहीं पे कुछ ग्रुप होगा तो बच्चों के साथ बैठना, बात करना, क्योंकि उनसे बहुत सीखने को मिलता है. तो वहीं से फिर मैंने वहाँ पे 2 महीने पढ़ाया तो वो भी बहुत अच्छा लगा. उसके बाद जैसे कॉलेज में थी तो कॉलेज के बाद भी मैं जाके 2 घंटा जाके कोचिंग देना, घर पर बच्चों को बुलाकर
उनको पढ़ाना करना, ये शुरू से मेरे फ्रेंड्स जो होते थे उनके सिस्टर्स दे यूज टू कम मी कि ममता दी मैथ्स पढ़ा दो, दी मुझे ये करवा दो, तो वो सब चलता रहता था। फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा आपका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें पढ़ाई किया आपने। सोशल साइंसेस वैसे देखा जाए तो पहले मैथमेटिक्स बहुत पसंद था मुझे, पर उसके बाद 11th में आर्ट्स ले लिया और फिर ग्रेजुएशन किया तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज वन ऑफ माय सब्जेक्ट्स। आई हैड इकोनॉमिक्स आल्सो एंड इंग्लिश लिटरेचर। क्या बात है। तो टीचिंग से जुड़ा कोई खास वाक्य आपको याद आ रहा है? क्योंकि टीचिंग आपने कहा कि आपका शौक था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप पढ़ा रही थी, बड़े बच्चे होते होंगे वहाँ पर, और आपकी माशाल्लाह इतनी प्यारी आवाज़ है, इतनी मीठी आवाज़ है, आप कितना मधुर बात कर रही हैं हमारे साथ में। तो बतौर टीचर आप कैसी थी, कड़क थी या नर्म दिल थी, और बच्चे किस तरह से, बच्चों को किस तरह से डील करती थी आप? कड़क तो थी, ऐसा नहीं है डिसिप्लिन, क्योंकि खुद को डिसिप्लिन पसंद था, खुद को परफेक्शन पसंद था, लेकिन उसके साथ साथ तो प्यार भी था अंदर में। तो बच्चों के साथ एक अच्छा हमेशा कॉर्डियल रहा, और आज तक भी मुझे तो लगता है कि एक टीचर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी उसके स्टूडेंट्स होते हैं, बाकी कोई प्रॉपर्टी बने या ना बने उसका कोई वैल्यू नहीं है लाइफ के अंदर। और अब जब डिस्टेंस लर्निंग में आ गए हैं तो हमारे पास 18 से लेकर 80 साल तक के स्टूडेंट्स होते हैं, तो कहीं पर भी आप जाते हैं, आप मार्केट में हैं तो कोई आ जाएगा, मैम आप कहीं शादी में एक बार खड़े थे तो वहां पर आ गए कि मैम यू रिमेम्बर आपने मुझे तब हेल्प किया था। तो वो जो एक फील होता है कि आप किसी के लिए कुछ कर पाए, दैट इज द बेस्ट। मैम जिंदगी में आपने जितनी अपॉर्चुनिटी को आसानी से हासिल किया या जितनी आसानी से आपने उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, दो लाइन मुझे अनामिका याद आ रही है कि ज़िंदगी के सफ़र में मैं चलता रहा, ज़िंदगी के सफ़र में मैं चलता रहा, जितने फूल मिले दामन में भरता रहा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। मैम आप रीजनल डायरेक्टर हैं इग्नू की, उससे जुड़ाव कैसा मिलने का मौका मिला या वो अनुभव रहा कि फर्स्ट टाइम आप उससे जुड़ी तो वो क्या रहा, किस तरीके से आप जुड़ी? इग्नू मैंने ज्वाइन किया 97 में, वो भी अगेन माय मेंटर प्रोफेसर अमेश अरोड़ा साहब जो थे, तो वैकेंसीज निकली तो हम इतना ध्यान भी नहीं देते थे, तो सडनली माय सीनियर वाज ऑलरेडी देयर, तो उसने बोला कि ममता फॉर्म भर दो। अच्छा, तो दैट वाज द लास्ट डेट, और जैसे तैसे फॉर्म भरकर और भेज दिया, इंटरव्यू हो गया, उसके बाद भी हम निश्चिंत थे कि पता नहीं ठीक है होगा तो। और उससे पहले मैंने फिर जयपुर में आने के बाद कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे मैं कॉलेज में पढ़ा भी रही थी साथ साथ, और अचानक एक दिन अपॉइंटमेंट लेटर आता है और शाम की हमारी टिकट्स बुक है, हम लोग साउथ जाने वाले हैं। अच्छा, तो फिर फटाफट से लेटर बनाया कि मुझे एक्सटेंशन दिया जाए और आई लेफ्ट। तो उसके बाद इग्नू आई जॉइंट एज असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर और अब रीजनल डायरेक्टर, तो 20 साल से ऊपर हो गए हैं अब। क्या बात है। तो मैम एक कोई खास है जो आपसे बात करना चाहते हैं? नितांशा, जैसे हम बता भी रहे थे हमारे दर्शकों को कि आप कॉल कर सकते हैं, आइए देखते हैं कौन है हमारे साथ में। हेलो, हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश अरोड़ा है। सर बहुत बहुत स्वागत है धरती धोरा में। आपकी ही बात हो रही थी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर ममता भाटिया हमारे सामने बैठी हैं सर, और आप उनके मेंटोर रहे हैं, तो मैम के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? ओहो, मेरे सर्वोत्तम विद्यार्थियों में से एक, रिकॉर्ड टाइम में पीएचडी किया, एमए में टॉपर हैं, पढ़ाई में तो अच्छी हैं ही, पर सबसे बड़ी चीज है हर समय प्रसन्नचित रहती हैं, आशावादी हैं, दूसरों को प्रेरणा देती हैं, अच्छी लीडर हैं, टीम बिल्डर हैं, और सबसे बड़ी चीज है इनके अंदर जो उदात्त भाव है, इनकी पवित्रता है, इनके आध्यात्म से जुड़ी हुई है, और ऐसे व्यक्ति जिन पर विश्वास किया जा सकता है हमें नाज होना चाहिए ऐसे व्यक्ति पर। एंड वी आर वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही खुश हूँ और भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे विद्यार्थी मेरे जीवन में मिले। क्या बात है। मैम क्या कहना चाहेंगे? सर के लिए तो जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि देर वर डिफिकल्ट टाइम्स ऑल्सो, और उस वक्त सर हमेशा साथ में होते थे। अगर फैमिली में भी कुछ होता था तो मुझे याद है मैं सबसे पहले सर के पास जाती थी कि अब ये हो गया, अब क्या करना है। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ बोथ, बिकॉज उन्होंने मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाया ग्रेजुएट लेवल पर, और आज तक भी जो प्यार दोनों से हम लोगों को मिलता है वो अनमोल है। मतलब मेंटोर होने के साथ साथ सर गाइड भी हैं। गाइड भी हैं, पीएचडी सर के अंडर में ही किया मैंने, और आंटी का भी हमेशा बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है, और मेरे बच्चों के अंदर जो रीडिंग हैबिट्स हैं वो मैं कहूंगी सर की बदौलत है, कि उनके कोई भी बर्थडेज हो सुबह सुबह सर होते थे एक बुक्स का बंडल लेकर उन बच्चों के लिए, तो आज भी वो दोनों जो है जुड़े हुए हैं,
सर के साथ में, और रीडिंग हैबिट्स दोनों में बहुत अच्छी है, और वो जो बचपन में जो बीज शायद मैं ना डालती पर उन्होंने डाला वो। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ सर जुड़ने के लिए। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जब हम शिक्षक का सम्मान करते हैं, जब शिक्षक हमें जो राह दिखाता है, जो कहता है, चाहे उसकी डांट हो, चाहे प्यार हो, या कोई भी प्रेरणादायक बातें हो, वो हम गौर से सुने, क्योंकि वो हमारे जीवन को सुनहरा बनाते हैं। अगर आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर है 01-4127-0-4098, एक अन्य नंबर 2704999। मैम, हम आपकी इग्नू से जुड़ाव की हम बात कर रहे थे। इग्नू जैसा कि डिस्टेंस लर्निंग है, ओपन यूनिवर्सिटी है, मैम बहुत सारे बच्चे हर उम्र के उससे जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं, तो जो तब्दीलियां आपने देखी वो क्या क्या रही? जब तक हम लोग, क्योंकि मैंने बताया कि बचपन बहुत अच्छा निकला, फैमिली में हर तरह का सपोर्ट था, तो मुझे एजुकेशन की उतनी वैल्यू नहीं थी जब तक मैं ग्रेजुएट कर रही थी, क्योंकि अच्छे स्कूल्स में एडमिशन मिल गया शुरू से ही, कॉलेज में भी इजीली मिल गया, तो मुझे लगता था कि ग्रेजुएशन और एमए में क्या वो बड़ी बात है ना, कोई भी तो कर सकता है इसको, बहुत सरल है ये तो इसमें कुछ करने के लिए। लेकिन जब डिस्टेंस एजुकेशन में आए और जब रूरल एरियाज में जाकर पेनिट्रेट किया और वहां पर जाकर जब देखा कि कितना मुश्किल है लोगों के लिए पढ़ना, खास करके विमेन के लिए, लड़कियों को इतना दूर कॉलेज घर वाले भेजते नहीं है, भेजते हैं तो साथ में कोई भाई होना चाहिए, कोई हस्बैंड होना चाहिए, कोई मेल मेंबर। अभी 20 साल की लड़की है और 6 साल का भाई होगा तो कहेंगे इसको लेकर चली जा। एक साइकी है कि अब वो बच्चे को वो संभालेगी या वो उसको संभालेगा, क्या सपोर्ट दे पाएगा मेल मेंबर है, लेकिन मेल मेंबर है तो वो लड़की को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये कितना बड़ा मतलब मिसकंसेप्शन था हम लोगों की लाइफ के अंदर, और हमने तो कभी कभी ऐसा किसी पे डिपेंडेंट रहे नहीं, तब जाके एजुकेशन की सही वैल्यू हमें पता चली कि इतना आसान नहीं है खास करके लड़कियों के लिए पढ़ना। और जब वहां पर उन बच्चों को देखते थे कि किस तरह से रेगुलर कॉलेजेस में नहीं, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग उन सब के लिए है जो कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन बस मिस कर गए हैं, या फिर अपनी फैमिलियल सोशल प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जब उन लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा, दो बच्चे तो मुझे खास करके याद आते हैं जो कि सेरेब्रल पाल्सी से एक था, एक ऑटिस्टिक था, और जब उन लोगों ने डिग्री की और आज एक तो यूनाइटेड स्टेट्स में माइक्रोसॉफ्ट में उसकी जॉब लगी है, और उसके फादर परसों तरसों थोड़े दिन पहले ही लास्ट वीक मिलने आए, तो वो जो जब उनको आगे बढ़ता देखते हैं तो वाकई दिल से खुशी होती है कि हम इनके लिए थोड़ा सा भी अगर कुछ कर पाए, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन तो उनका रहा ही है, जरूर रहा है, लेकिन जो सपोर्ट हम दे पाए हैं उसके लिए अच्छा लगता तो है। तो आप पिछले 22 सालों से इग्नू से जुड़ी हुई हैं। 1997 वो ईयर था जब आपने इग्नू ज्वाइन किया था, और बतौर एडिशनल असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर आपने शिमला आपको पोस्टिंग मिली थी मैम, और उसके बाद आप कुछ अच्छे से रिसर्च एक या डेढ़ साल आप जोधपुर में भी थी, 4 साल। हाँ, तो हम जानना चाहेंगे कि शिमला, फिर जोधपुर, फिर जयपुर, इग्नू की जो सेंटर्स हैं, क्या इन सारी जगहों पर एक जैसा ही है, या आपने कुछ चेंजेस देखे या अपनी तरफ से कुछ उसमें बदलाव किए? आपकी जब शिमला में ज्वाइन किया था तब तो बहुत नए थे, जैसे तो कॉलेज से निकल के ही जॉब में आ गए, तो इतना कुछ वो था नहीं, लेकिन और बहुत टाइम वहाँ रहे भी नहीं, 2 महीना रहे, और वो पीक विंटर्स का टाइम था, नवंबर दिसंबर अक्सर स्नोफॉल हो जाता था, और तो उस मौसम में ही थोड़ा सा, और जब वहां से रिलीव हुए जल्द ही ट्रांसफर मिल गया, तो वहां पर जो रीजनल डायरेक्टर थे वो बोले आप तो टूरिस्ट की तरह आई और चली गई। तो वो थोड़ा सा एक इग्नू को सिर्फ जान ही पाए थे अभी कि क्या है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वहां हमें नए थे तो अभी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो इंटरेक्शन शुरू हुआ था तो उससे वैल्यू तो होने लगी, क्योंकि वहां पर भी हम देखते थे कि कहां कहां से स्टूडेंट चलकर आता है और किस तरह से वो उनके अंदर एक होता है कि हमें एजुकेशन मिल जाए, कैसे भी हम बीए कर लें, तो उनके लिए एक बड़ी बात होती थी बीए करना भी। तो और जैसा कि एक 80 इयर्स की आंटी, जब मैंने जयपुर ज्वाइन किया तो अभी 1-2 साल ही हुए होंगे, शी वाज 72 एंड शी केम टू मी कि ममता जी मुझे ग्रेजुएशन करना है। वाओ, तो मैं हैरान हो गई कि मैंने कहा आंटी आप इस एज में ग्रेजुएशन क्यों करना चाहती हैं? बोली नहीं, अब ये गीता वीता भी बहुत पढ़ लिया मैंने और पोते पोतियों को एमजीडी में और जेवियर्स में पढ़ा लिया है, लेकिन अब वो मुझे जब कहते हैं कि आपको नहीं पता आप चुप करो, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं
मैं कर सकती हूँ एंड आई नो और आई वॉन्ट टू डाई एज अ ग्रेजुएट. सो स्वीट. तो वो जो एक जज्बा था उनका चेहरा मुझे हमेशा याद रखता है कि कैसे, और फिर आके बैठ जाती थी और गप लड़ाती थी बैठ कर अच्छे से, और अपनी कोई बात होती थी कोई प्रॉब्लम होती थी उसको भी बैठ कर अच्छे डिस्कस करती थी. और क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन में स्टूडेंट जो है वो पीयर ग्रुप से तो अलग होता है, तो वो कहीं ना कहीं कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो अगर फैमिली में कुछ हुआ है और उनको वहां से भी उभरना है तो वो आपको बताना चाहते हैं. तो हमारे एक रीजनल डायरेक्टर है वो कहते थे कि तुम किसी के प्रॉब्लम सॉल्व ना भी कर पाओ बट एटलीस्ट लिसन टू देम. राइट राइट. तो बोले वो कहते थे कि एक लिसनिंग डेस्क बना दो यहाँ पर, तो कम से कम अगर हमने सुन लिया तो भी आने वाले को. कभी कभी स्टूडेंट होते हैं बहुत एग्रेसिव आते हैं कि मटेरियल नहीं मिला है और आजकल सब ऑनलाइन हो गया है, तब और अब में बहुत डिफरेंस हो गया. पिछले 20 सालों में यूनिवर्सिटी भी काफी आगे हम लोग निकल आए हैं, आपका वेब बेस्ड हो गया है सब कुछ, तो वेबसाइट नहीं चल रहा है आपका या मटेरियल हमें नहीं मिला है. उनको भी अगर आपने बैठकर सुन लिया, पानी का एक ग्लास ऑफर कर दिया, तो उसमें भी काफी मुझे लगता है कि एक रैपो बन जाता है और जितने एग्रेशन के साथ सामने वाला आता है वो धीरे धीरे आपसे मिलकर खुश होकर चला जाता है और जितना सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को वो तो करते ही हैं. अनामिका, मैं बहुत देर से पूछना चाह रही थी मैम से, ये मैम जीवन की जितनी चुनौतियाँ रहीं उनको आपने आसानी से हैंडल किया, लेकिन जब आप इग्नू से जुड़ी तो एक चुनौती और सामने आई. बहुत समाज का एक तबका होता है जो शिक्षा से वंचित रहता है और उसे जोड़ना काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि फैमिली को कन्विंस करना, कहीं ना कहीं अगर कोई एक घर उस शिक्षा से जुड़ता है तो समाज के अन्य लोग उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाते हैं. तो उस जो समाज का वो तबका है उसको समझाने में, उसे कन्विंस करने में जो चुनौती रही, उसे किस तरीके से आपने हैंडल किया? उसके साथ लोग मिलते चले गए. जैसे अगर फील्ड में हम लोग जाते हैं तो हमारे स्टडी सेंटर्स रहते हैं वहाँ पर कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो लोकल ही होते हैं, तो उनके साथ मिलकर सबके साथ एक टीम वर्क हो जाता है. अकेले तो आप वैसे भी कुछ कर नहीं पाते हो, तो मिलते गए लोग, मिलते गए कारवां बनता चला गया और सबके सपोर्ट के साथ सबके सहयोग के साथ ये मंजिलें आसान होती चली गई. और जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है एजुकेशन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ना सिर्फ हम शिक्षा लेकिन आज के जितने भी सरोकार हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत सरकार का स्वच्छता अभियान है या आयुष है, क्योंकि इग्नू के अंदर जो कोर्सेज हैं वो आप देखिए कि कोई भी फील्ड ले लीजिए आप, एजुकेशन है, सोशल साइंसेस है, हेल्थ साइंसेस है, हम लोग नर्सेस को ट्रेन कर रहे हैं, टूरिज्म डेवलपमेंट है, तो हर तरह के फील्ड से रिलेटेड, हर डिसिप्लिन से रिलेटेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे. तो अलग अलग लोगों से मिलना होता है और किस तरह से किसी की ट्रेनिंग, कोई अपना कोर्स करता है एज ट्रेनिंग, कोई अपना कोर्स करता है अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, किसी का ये पर्पस होता है कि मेरे जॉब भी चलते रहे और उसी दौरान मुझे एक मास्टर्स डिग्री मिल जाए तो मैं आगे प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाऊं. तो ये सब वैरिड तरह के जो क्लाइंटल है उसको डील करते करते अपने आप मुझे लगता है कि आधा रास्ता तो स्टूडेंट खुद लेकर आता है. थोड़ा सा उसको पुशअप करना होता है, थोड़ा सा सपोर्ट देना होता है, मोटिवेशन देना होता है, और अगर उसको वो मिल जाता है, क्योंकि कभी कभी तो बिल्कुल हताश होकर आते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा मैम, दो साल का कोर्स था मुझे 3 साल तो हो गए, अब मैं नहीं कर पाऊंगा. थोड़ा सा उनको बोलना पड़ता है कि आप कर सकते हो, देखो आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, चार पेपर मोटिवेट करना पड़ता है और आगे बढ़ जाता है. मुझे लगता है नितांशा कि भारत सरकार का ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसके थ्रू देश के कोने कोने में, रिमोट एरियाज में भी एजुकेशन जो है पहुंच पा रही है. जहां पर आज भी हमारे देश में कई ऐसे गांव हैं जहां पर स्कूल्स नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन थ्रू इग्नू वहां के बच्चे भी जो हैं, या जो बुजुर्ग भी हो गए हैं, या जो एडल्ट्स हैं वो भी पढ़ाई कर पा रहे हैं. हाँ एग्जैक्टली. तो मैम इग्नू का ये जो इनिशिएटिव है इसको आप किस तरह से देखती हैं कि किस हद तक भारत वर्ष के एजुकेशनल सिस्टम को सुधारने में मदद मिली है? देखिए, अगर हम कन्वेंशनल सिस्टम पे फेस टू फेस मोड पर चलते तो जितनी हमारी जनसंख्या है उतने स्कूल्स, उतने कॉलेजेस खोलना, उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती, फाइनेंशियल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज. लेकिन जब डिस्टेंस मोड की हम बात करते हैं तो वही लोग जो रेगुलर सिस्टम को रन में काम करते हैं उन्हीं को हेल्प लेकर हम लोग
वहीं पर स्टडी सेंटर्स चलाते हैं। तो स्कूल लेवल के लिए स्टेट ओपन स्कूल्स है, नेशनल ओपन स्कूल है। जब हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने अपने राज्यों में कार्य कर रही हैं। संपूर्ण भारत के लिए हमारे पास इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम तो राष्ट्रीय है लेकिन स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय है, क्योंकि इग्नू के जो सेंटर्स हैं वो न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी हैं और इसकी डिग्रीज भी ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड हैं। बिल्कुल अनामिका, यहाँ एक फोन आ गया है, वो हम ले लेते हैं। हेलो, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आप कहाँ से बात कर रही हैं और आपका नाम? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, मेरा नाम निकिता भाटिया है। जी मैम, क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि आपके नाम के साथ ही मैम के चेहरे पर मुस्कुराहट है। मैम मुझे आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। मैम आप क्या कहना चाहती हैं शो के माध्यम से, क्योंकि आपके नाम के साथ ही मैम के चेहरा मुस्कुरा रहा है? तो मेरी मॉम है, ऑफकोर्स नाम से मुस्कुराना ही चाहिए। मेरा नाम निकिता उन्होंने ही दिया है, इट्स मींस लाइट, एंड शी ऑलवेज सेज दैट आई एम द वन हु ब्रॉट लाइट इन हर लाइफ। बट अभी इस माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि इट्स नॉट मी बट मेरी मॉम है, जिन्होंने हम लोग की दुनिया को बहुत रोशन किया है। हमने बचपन से बहुत देखा है उनको स्ट्रगल करते हुए, कैसे वो ऑफिस जाती थी, सब कुछ बैलेंस करती थी, हमारा स्कूल, घर का काम, पहले स्कूटर पे जाती थी, अब गाड़ी में जाती है। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि कहाँ से शी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड शी हैज रीच्ड अ हाइट टुडे, सो आई डोंट थिंक वी कैन एवर बीट दैट। एज एन मदर आपने देखा मैम को, लेकिन एज एन टीचर का रोल आपको देखने को मिला घर में, कोई स्ट्रिक्टनेस दिखी? टीचर का रोल हर मदर प्ले करती है, हमारी लाइफ में भी उन्होंने बहुत प्ले किया है और एग्जाम्पल्स के साथ हमें दिखाया है। सब्जेक्ट तो हम स्कूल में पढ़ लेते थे लेकिन जो चीजें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, जैसे कि पेशेंस रखना है, कैसे लोगों के साथ डील करना है, कैसे कैसे लोग आपके सामने, कैसी कैसी सिचुएशंस आपके सामने आ सकती है और आप कैसे उनके साथ डील कर सकते हो, वो उन्होंने हमें करके दिखाया है। क्या बात और है, क्या अभी बात भी कुछ भी चीज होती है, कुछ भी गाइडेंस नहीं होता है तो सबसे पहले मम्मी याद आती है कि ये बताओ ये करो। वाकई जीवन की जो पहली शिक्षक रहती है वो माँ ही रहती है। अपनी मदर के लिए आप क्या डेडिकेट करना चाहती है, कोई कविता की माध्यम से, कोई गाना आपको आता हो, कोई गाना या कोई कविता या किसी पोएम के थ्रू आप अपनी मम्मा के लिए कुछ कहना चाहती हैं, कुछ डेडिकेट करना चाहेंगी? गाना मुझे गाना पड़ेगा। मैं देख रही हूँ कि डॉक्टर ममता भाटिया बहुत इमोशनल हो गई हैं, मैम आप भावुक हो चली हैं, ऑब्वियसली ये पल ही ऐसे हैं, आपकी डॉटर आपके साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी उनके लिए? शी इज क्वाइट ब्रिलियंट और जब छोटी थी तो आज भी मुझे लगता है कि उसके अंदर वो एक शरारत बचपना आज भी है, लेकिन उसके साथ साथ लिखती अच्छा है, हाइकिंग का इसको शौक है, घूमने का शौक है। शी इज जस्ट टेक हर बैकपैक एंड लीव और हम लोग पूछते रहते हैं कहाँ जा रही हो, कब लौटोगी, मेरा फोन एक वीक बंद रहेगा। अच्छा, नाइस। तो दैट वे एक मूवी का सॉन्ग है, नीरजा मूवी का, लाडो करके, आई डोंट नो आप वो प्ले हो सकता है कि नहीं, पर दैट इज द सॉन्ग दैट आई वुड लाइक टू डेडिकेट। वी वोंट बी एबल टू प्ले दैट, लेकिन अगर आप गाएंगी तो हमें अच्छा लगेगा। वो मुझे याद नहीं है, चलिए कभी और सुनेंगे आपसे। चलना सिखाया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। कॉल से पहले मैम हम इग्नू से जुड़ाव की आपकी बात कर रहे थे, आपके अनुभव बात कर रहे थे, बच्चों की शिक्षा की हम बात कर रहे थे। मैम अगर हम रेगुलर क्लासेस की अगर बात करें तो वहाँ की जो स्टडी रहती है, जो स्टडी मटेरियल रहता है, वहाँ हम क्लास में जाते हैं, रेगुलर क्लासेस होती हैं, टीचर उस मटीरियल को समझाता है, वो जो लैंग्वेज है उसको समझाता है, लेकिन वहीं हम डिस्टेंस और ओपन लर्निंग की हम बात कर रहे हैं तो जो उनकी बुक्स होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो क्या उन बुक से अलग होती है कि इजीली समझ पाए? बिल्कुल, जो मटेरियल हम लोग स्टूडेंट्स को देते हैं, एक तो इग्नू का जो मटेरियल है वो जो प्रिपेयर किया जाता है वो बेस्ट एक्सपर्ट्स नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के उस मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं।
फिर उसको हम कहते हैं सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जिसमें टीचर इनबिल्ट होता है. जब आप उसको पढ़ेंगे तो एक तो वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड होता है, स्मॉल बुकलेट्स जो आप कहीं पर भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग के दौरान पढ़ सकते हैं, आपको जब फ्री टाइम मिला आपने एक यूनिट उठाया और उसको आपने पढ़ना शुरू कर दिया. और उसमें पूरा दिया होता है स्टेप बाय स्टेप कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेंगे. और वो इस तरह से होता है कि जैसे एक टीचर आपसे बात कर रहा है, तो उसमें और टेक्स्ट बुक्स में फर्क होता है. एक्चुअली नितांशा, इसका लिविंग एग्जांपल मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस में. तो जो स्टडी मटेरियल हमें मिले थे वो अपने आप में काफ़ी थे. और एवरी संडेज हमारी क्लासेस हुआ करती थी और वो कोर्स भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, 85% मार्क्स उसका तो मैं देख रही हूँ. मैं आज जो भी हूँ उसी की बदौलत हूँ मैम. तो मैं इग्नू को तो शत शत नमन करती ही करती हूँ. और मैं आपसे यहाँ पर ये एक जानना चाहती हूँ कि बुक्स की बात हुई, स्टडी मटीरियल की बात हुई, आप बुकवर्म रही हैं, बुक रीडिंग की बहुत बड़ी शौकीन रही हैं, तो किस तरह की बुक्स पढ़ती रही हैं आप, और आज भी क्या वक्त मिल पाता है किताबें पढ़ने का? क्योंकि आज का दौर चेंज हो चुका है, हम कहानियां भी पढ़ते हैं तो मोबाइल पे पढ़ते हैं. हाँ, लेकिन वो जो पेपर का फील जब तक नहीं आता है, जो कागज की गंध होती है, स्मेल होती है, तो एक बुक तो चाहिए ही होती है. अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ खास करके, या सोने से पहले भी दो पेज पढ़कर सोना आज भी मेरी आदत में शुमार है. और 2003 के बाद हम लोगों के लाइफ में एक टर्न आया जब हम लोग स्पिरिचुअलिज्म के साथ जुड़ गए. पहले मदर गई और उसके पीछे पीछे हम लोग भी चल दिए. तो वो जो टर्न आया लाइफ में उसने जिंदगी को खूबसूरत बना दिया. जी तो पहले भी रहे थे कि अनामी का बात है, माफ कीजिएगा मैम आपको रोक रही हूँ क्योंकि वक्त का तकाजा है. इतनी खूबसूरत मैम आपकी आवाज है, इतनी मधुर आवाज है, कभी सोचा नहीं कि मुझे गाना भी चाहिए? नहीं ऐसा तो नहीं, नहीं सोचा तो अभी गा दीजिए. हाँ. नहीं सोचा तो आप अभी गा सकती हैं, हम आपके सुर में सुर मिलाने की कोशिश करेंगे. क्योंकि हम इतने टाइम से इसी क्षण का वेट कर रहे थे. एक गाना जो मुझे बेहद पसंद है वो गा देते हैं. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तुले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. क्या बात है मैम, तो इतनी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के बाद ही मुझे लगता है कि ये जो पॉजिटिविटी आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट हो रही है, आप ऑब्वियसली अपने कोलीग्स के साथ में, सबॉर्डिनेट्स के साथ में भी ऐसी ही पॉजिटिविटी स्प्रेड करती होंगी. जितना पॉजिटिव आज का ये कॉन्वर्सेशन रहा है हमारा आपके साथ में, इसके लिए वी आर रियली थैंकफुल टू यू मैम, ट्रूली ऑब्लाइज्ड. आप जो दर्शक देख रहे हैं, जो विद्यार्थी देख रहे हैं, उन्हें आप कुछ मैसेज दें कि वो जुड़ पाए शिक्षा से. अगर अब वो रेगुलरली नहीं कर पा रहे हैं तो वो इग्नू से जुड़ें, ओपन यूनिवर्सिटीज से जुड़ें, कम से कम अपनी डिग्री, अपनी शिक्षा को तो मुकम्मल कर पाएं. तो मैम आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए शिक्षा आपके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और डिग्री तो ले ली, लेकिन मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि उस डिग्री के साथ साथ आपने जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको नहीं बीच में खो दीजिएगा. क्योंकि शिक्षा के साथ साथ आपके जो लाइफ में अभी जो आपने सारे गुण बताए हैं कि निश्चय होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, परसिवरेंस की बात आपने की, क्योंकि आगे बढ़ना है तो जब तक ये लाइफ स्किल्स आपके पास में नहीं है तो आप नहीं बढ़ पाएंगे. तो डिग्री तो मिल ही जाती है, स्टूडेंट एडमिशन ले भी लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लव एंड फेथ. आपके अंदर में अपने लिए विश्वास होना चाहिए, अपने आसपास लोगों के अंदर विश्वास होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि, और परमात्मा में विश्वास करके चलेंगे तो आप देखेंगे कि हर तरफ से वो आपकी संभाल कर रहा है. हाँ, क्या बात है. हाँ, बहुत खूबसूरत. हाँ, तो दर्शकों से इजाजत लेने का और मैम से इजाजत लेने का वक्त है. डॉक्टर ममता भाटिया, आज आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया मैम. हम चाहेंगे कि आपके जीवन की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, कुछ पाने की जो दृढ़ संकल्प आप लेती हैं, वो आपका हमेशा ऐसे ही पूरा होता रहे, ऊपर वाले आशीर्वाद आप पर बना रहे. आपको आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद. और दर्शकों से भी इजाजत ले लेते हैं. नितांशा आज हमारे साथ शो में रही इग्नू जयपुर रीजनल सेंटर की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर ममता भाटिया. अनामिका और नितांशा के साथ आपने ये शो ऑब्वियसली एंजॉय किया होगा. अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन राजस्थान. नमस्कार. नमस्कार.